टेढ़े मेढ़े प्यार के रास्ते। बांद्रा फैमिली कोर्ट के कोर्ट रूम में असीम नाम का एक शख्स कोने की बेंच पर बैठा हुआ था। उम्र लगभग 27-28 साल, रंग गेहुआ और सामान्य कदकाठी। उसी के बगल में अधेड़ उम्र का उसका लॉयर बैठा हुआ था। कोर्ट लोगों से खचाखच भरा हुआ था और असीम बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। कभी टाइम से पहुंच ही नहीं सकती। तभी दरवाजे से एक लड़की दाखिल हुई। नाम रोहिणी, उम्र लगभग 26-27 साल। असीम और रोहिणी की नजरें मिली। असीम उसे देखता रह गया। वो काफी अलग लग रही थी। उसके बाल अब छोटे थे और ड्रेसिंग स्टाइल भी बदला हुआ सा था। और सबसे बड़ी बात, वो चेहरे से खुश लग रही थी। असीम को ये देखकर काफी जलन हुई। दोनों को अलग हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। आज सेकंड मोशन की डेट थी। रोहिणी को देख के असीम का लॉयर खड़ा हो गया। आपका ही इंतजार कर रहे थे। इंतजार करवाना तो इनकी पुरानी आदत है। सॉरी, वो ट्रैफिक में फंस गई थी। क्या बात है, दूसरों को फंसाते फंसाते खुद फंस गई। ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। दिन रात मेरे पीछे घूमते थे, हाथ धोकर पीछे पड़े थे। अच्छा, तुम भी तो 100 बार फोन करती थी, हर मैसेज पर दिल चिपकाकर भेज देती थी। गलती हो गई, तुम तो थे ही नहीं दिल देने के लायक। अरे अरे, आप लोग लड़ो मत भाई, आज डिवोर्स होने वाला है, इसके बाद एक दूसरे की शक्ल भी मत देखना। दोनों शांत हो गए। तभी प्यून वहां आया। आपका नंबर आ गया है। दोनों गुस्से में उठे। जैसे ही रोहिणी आगे बढ़ी, उसका पैर लकड़ी की टेबल से टकराया। वो थोड़ा लड़खड़ाई। जैसे ही वो गिरने को हुई, असीम ने उसे संभाल लिया। चीजों से टकराकर गिरना रोहिणी की पुरानी आदत थी और असीम को उसे संभालने की आदत भी पुरानी थी। दोनों की नजर एक दूसरे से मिली। रोहिणी ने जल्दी अपने आप को असीम से अलग किया। फिर दोनों जज के सामने पहुंचे। जज ने दोनों को एक नजर देखा और पूछा, आप श्योर हैं कि आप दोनों अलग होना चाहते हैं? असीम और रोहिणी दोनों ने हामी भरी। जज ने अपने सामने पड़े कागजात पर कानूनी ठप्पा लगाया और साइन किए। उन्होंने टेबल पर रखी एक और फाइल देखी और बोला, नेक्स्ट। लॉयर असीम और रोहिणी कोर्ट के बाहर आए। मेरा असिस्टेंट आकर डिक्री ले जाएगा, 2-3 महीने लग जाएंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं पहुंचा दूंगा। आपका बैलेंस पेमेंट? अभी जल्दी में हूं, अगले केस के लिए पहुंचना है, शाम को फोन पर बात कर लेंगे। इतना कहकर लॉयर अपनी कार की ओर बढ़ गया। असीम और रोहिणी वहीं खड़े थे। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था बात क्या करें। तभी रोहिणी ने अपने बैग में से एक पेन ड्राइव निकाली, जो असीम ने उसे डिवोर्स पेपर्स की स्टडी के लिए दी थी। तुम्हारा पेन ड्राइव। असीम ने बिना कुछ कहे पेन ड्राइव ले ली। अचानक असीम को भी जैसे कुछ याद आया। उसने जीन्स के पॉकेट में हाथ डाला। ये पत्थर मंगवाया था तुमने? वो समंदर का पत्थर था जिसे रोहिणी ने बहुत संभाल के रखा था। अंडमान के ट्रिप से लाए थे वो। रोहिणी को नेचुरल चीजों और नेचर के पास रहना बहुत पसंद था, लेकिन अभी रोहिणी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। पत्थर दिल आदमी, रोहिणी ने बहुत धीरे से कहा। उसने गुस्से में असीम के हाथ से पत्थर ले लिया। वो एक टहनी भी थी ना, जो माधवगढ़ के जंगल से लाई थी? नहीं मिली, बहुत ढूंढी, अपनी जिंदगी का छोर नहीं मिल रहा। ऊपर से इनके पेड़ पौधे ढूंढो। रोहिणी शांत रह गई। दोनों कुछ देर खामोश रहे। मैं चलती हूं। गाड़ी लाई हो? नहीं।
गाड़ी है तो चलाती क्यों नहीं? यहाँ पार्किंग में दिक्कत होती है। तो मुझे बोलती, मैं कर देता। अब तो अकेले ही रहने वाली हूँ, तुम कहाँ कहाँ आओगे पार्क करने के लिए? आओ मैं छोड़ देता हूँ, कैब बुक की है? नहीं, रहने दो। तभी असीम को कैब अपनी ओर आते हुए दिखी। उसने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। कार के पास पहुंचकर एक बार फिर उसने पलट कर देखा तो रोहिणी वहीं खड़ी हुई दिखी। असीम को एहसास हुआ कि वो आज शायद आखिरी बार मिल रहे थे, इसके बाद कभी मिलना न हो। असीम वापस उसके पास गया। चलो मैं छोड़ देता हूं। इस बार रोहिणी बिना सोचे उसके साथ बढ़ गई। असीम ने कार का दरवाजा खोला, पहले रोहिणी बैठी और फिर वो। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। तुम्हारी कार कहाँ है? बेच दी। क्यों? असीम ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे घर का क्या हुआ? अभी कहाँ रह रही हो? अभी तो पीजी में हूं, एक फ्रेंड के यहाँ। ढंग का फ्लैट नहीं मिल रहा है। चाहो तो मेरे यहाँ रह सकती हो, जब तक फ्लैट नहीं मिल रहा। मुझे फिर से वही गलती नहीं दोहराना। उसका मौका नहीं मिलेगा। मैं कल जा रहा हूं शहर छोड़कर, ट्रांसफर ले लिया है। ये सुनके रोहिणी का मन न जाने क्यों उदास हो गया, जबकि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं रहा था। कहां जा रहे हो? वापस अपने शहर। यहां अकेले मरने का इरादा नहीं है। क्यों, दोबारा शादी नहीं करोगे? पता नहीं, अब तो शादी के नाम से ही नफरत हो गई है। जिसे अपनी जिंदगी का सबसे परफेक्ट पार्टनर समझता था, उससे ही नहीं निभा पाया तो किसी और के साथ। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। हो सकता है कोई और। तुम्हारी गलती नहीं है, परफेक्ट तो मैं भी नहीं था। तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है? हमेशा की तरह ठीक ठाक। तुम्हारा कल बर्थडे है ना, क्या करोगी? अभी कुछ प्लान नहीं किया। तुम्हें तो पार्टी वार्टी का बड़ा शौक है, और वीकेंड भी है। बस कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ, पिछले एक साल में इतना कुछ झेल लिया। ये सुन असीम ने उसकी ओर देखा। सॉरी। हाँ मुझे तो तुमने झेला ही है, मैंने तुम्हारी जिंदगी नरक कर दी थी ना। मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? छोड़ो, अब किसी भी बात का कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़के हमने अपना रिश्ता खराब कर लिया। कम से कम अब दोस्ती तो खराब ना करें। इसके बाद असीम ने कुछ नहीं कहा। रोहिणी भी शांत हो गई। असीम बार बार रोहिणी की ओर देख रहा था, लेकिन रोहिणी खिड़की से बाहर रास्ते में पीछे छूटते हुए लोगों को देख रही थी। कुछ ही देर में कार एक बिल्डिंग के गेट के सामने रुकी। यहां रह रही हूं आजकल, चाय पी के जाओ। नहीं, कई सारे काम खत्म करने हैं, कल जा रहा हूं ना। रोहिणी के मन में आया कि वो कह दे कि जाने से पहले अगर मिल सकते हो, लेकिन उसने खामोश रहना ही ठीक समझा। वो कार से उतरी, तभी असीम को कुछ याद आया। उसने बैग में से एक एनवलप निकाला और रोहिणी को दिया। ये तुम्हारे लिए। क्या है? घर जाके खोलना। बाय। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। रोहिणी वहीं खड़ी असीम को जाते हुए देखती रही। फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए चौथे माले पर पहुंची और घर का दरवाजा खोला। उसके कमरे की अलग से एंट्री थी। जमीन पर एक गद्दा पड़ा हुआ था। वो गद्दे पर बैठी और धीरे से लिफाफा खोला। उसमें कुछ पेपर्स और एक चाबी थी। रोहिणी ने जब कागजात पढ़े तो दंग रह गई। वो असीम के फ्लैट के पेपर्स थे। उसने फ्लैट अब रोहिणी के नाम कर दिया था। लिफाफे में एक खत भी था। उसने खत पढ़ना शुरू किया। मैं तो जा रहा हूं, ये फ्लैट अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। ये घर भी तुम्हारी वजह से ही खरीद पाया था। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने करियर के लिए कभी सीरियस नहीं होता।
ना ही इतनी मेहनत करता। तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन तुमने वाकई मेरी जिंदगी बदल दी थी। जो भी बेवकूफियां मैंने की, उसके लिए फिर से सॉरी। लेटर पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने आंसू पोंछते हुए असीम को फोन लगाया। रोहिणी, मैं मुझे फ्लैट नहीं, तुम चाहिए। तुम रहोगे तो मैं रहूंगी। सोच लो, रोज रोज छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होगी। लड़ लूंगी, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकती। तो ठीक है, कल बर्थडे पार्टी करते हैं और फिर उसके बाद जोरदार लड़ाई। दोनों हंसने लगे। रिश्ते के आईने पर जो धुंध चढ़ गई थी वो साफ हो गई। अभी आपने सुना पीयूष श्रीवास्तव द्वारा लिखित, सुमित कौल और शगुफ्ता अब्रार की आवाज में टेढ़े मेढ़े प्यार के रास्ते। ये स्टोरी टेल की 2019 की प्रस्तुति है।